Morning students, today I teach you chapter number 4 of a standard 3rd. The chapter name is The Planet We Live In. In this chapter we study about our planets, how many planets. The first point, we know that there are 8 planets in the solar system. आज हम अपने सौर मंडल के ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक ग्रह अर्थ है, जिसपे जीवन लाइफ है, और उसी ग्रह पे जीवन क्यों है? बिकॉज इट हैज एयर, वाटर. पृथ्वी पे जीवन इसलिए है क्योंकि यहां पे हवा है, पानी है, पेड़ पौधा है. सो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट और वी लिव इन इट. पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन है, लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, मछली और भी बहुत सारे जानवर हैं, पेड़ पौधे. All planets move around the sun in their fixed paths called orbits. जितने भी हमारे 8 जो ग्रह हैं, planets हैं, वो सभी एक निश्चित orbit पे क्या होता है? वो घूमते रहते हैं. In olden time, people thought that the earth was flat, but Ferdinand Magellan proved that the earth is not flat, it is round in shape. पुराने जमाने में, आदि मानव के टाइम में, लोग जो है ना इस चीज को समझते थे कि पृथ्वी जो है क्या है? चपटा. अब यहां से हम चलना शुरू करेंगे तो क्या होगा? यहां पृथ्वी खत्म हो जाएगी और हम क्या होंगे? गिर जाएंगे और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी. इसलिए वो लोग ज्यादा लंबी दूरी ट्रेवल नहीं करते थे. लेकिन फर्डिनेंड मैगेलन नाम का एक व्यक्ति जो 1556 में समुद्र के रास्ते ट्रेवल शुरू किए और आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद फिर उसी जगह पे पहुंचे और इस तरह प्रूव हो गया कि पृथ्वी जो है, अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज राउंड इन शेप. वो क्या है? गोल है. अर्थ स्पिन्स लाइक ए टॉप ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए क्या करती है? अपने अक्ष पर 24 आवर्स में एक बार राउंड लगाती है. कैसे? पश्चिम से पूरब की तरफ. इसीलिए हमें लगता है कि सूरज पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, जिससे ये लगता है कि सूरज जो है पूरब की तरफ निकलता है और पश्चिम की तरफ क्या होता है? डूबता है, सेट होता है. और 24 आवर्स में अर्थ जो है अपने अक्ष पे, अपने पॉइंट पे एक बार घूम जाती है, जिसे डे और नाइट होता है, दिन और रात होती है. द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. इट टेक्स 24 आवर्स. अब जो आप लोग लट्टू देखे होंगे, लट्टू जब नचाया जाता है तो वो एक ही जगह, जब जमीन पे गिरता है तो एक ही जगह जब क्या होता है, वो गोल गोल घूमता है. लेकिन जब उसका स्पीड कम होता है तब वो भागता है. तो लट्टू के समान ही जो है पृथ्वी क्या होती है? रोटेट करती है अपने एक्सिस पर. तो वो जो एक्सिस पर घूमती है 24 आवर्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. It takes 365 days, 6 hours.
अब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक जगह घूमते घूमते क्या होती है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जाती है, और वो जो घूमते हुए सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वन राउंड, जिसको हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं। वो एक्सिस पर जो घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं, और उसको घूमते हुए जब पृथ्वी पूरे सूरज का चक्कर लगाती है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, और उसका टाइम जो है कितना, 365 days 6 hours, 365 दिन 6 घंटा टाइम लगता है। अब ये मैं एक छोटा सा फिगर के थ्रू आपको ये समझाता हूं, ये मिडिल में सूरज सन, और ये जो है अर्थ, जो एक जगह से शुरू किया है अपना चलने के लिए, तो यहां से स्टार्ट किया पृथ्वी चलना, तो यहां पे एक बार पॉइंट में अपने क्या होता है घूमती है, जिसे डे और नाइट होता है, और इसी तरह जो है उसका ये फिक्स्ड पथ है, उसका रास्ता है चारों तरफ घूमने के लिए, तो धीरे धीरे वो क्या होती है घूमते रहती है, और ये एक साल में फिर यहां आ जाती है, जिससे क्या होता है ये घूमने के क्रम में सीजन भी चेंज होता है, समर सीजन जब पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, सूरज के नजदीक पृथ्वी जो है आ जाती है, तो समर सीजन आता है, और जैसे जैसे पृथ्वी जो है सूरज से दूर होती है तो रे विंटर सीजन आता है। इस तरह जो है इस पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर जो लगाती है इसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और इस तरह जो है आज के चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी जो है एक ऐसा ग्रह है जिसको ब्लू प्लैनेट के भी नाम से जानते हैं हम लोग, और यहां पे जीवन है, पेड़ पौधे हैं, और यह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।